लेटर पे फोर्जरी करने की कोशिश की, क्योंकि वहां पे बीजेपी के शायद नेशनल यूथ प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हमारे कैंडिडेट को एक्सेप्टेंस दी गई थी 12:15 बजे, और उसके साथ में एक्सेप्टेंस के साथ में बैंक ओपनिंग फॉर्म पे भी उनने फॉर्म दिया था और उसका एक्सपेंडिचर रजिस्ट्री भी दी थी। सो एक्सेप्टेंस के बाद 5 घंटे के बाद उनको दोबारा कॉल किया कि वहाँ आइए, और जो एक्सेप्टेंस की ये लेटर है उसी एक्सेप्टेंस की लेटर पे वो आरओ कोशिश कर रहा था उसको लिखने की, रिजेक्टेड, मगर हमारे बंदे ने, हमारे कैंडिडेट ने उसे वो छीन लिया, और यही हम आज यहाँ डीसी के पास आए हैं, यहाँ के श्रीनगर के जो इसके इंचार्ज हैं इलेक्शन के, ये बताने के लिए कि ये फोर्जरी किस बात पे की गई, क्या बात है। बीजेपी इतना डर रही है कि आप एक्सेप्टेंस जब मिले, वंस यू गेट एन एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस लेटर जब इश्यू होती है फिर इलेक्शन कमीशन भी उसको रिविजिट नहीं कर सकता है, तो ये कैसे किया गया 5 घंटे के बाद? एब्सोल्यूट फ्रॉड, वो डर गए, घबरा गए हैं, वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं, बट दे आर मॉर्टली स्केयर्ड ऑफ द अलायंस कैंडिडेट। दिस इज एन अलायंस कैंडिडेट देयर अगेंस्ट द बीजेपी नेशनल यूथ प्रेसिडेंट। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड टेक अ वेरी सीरियस नोट ऑफ दिस। इट इज एब्सोल्यूट फ्रॉड बट नथिंग एल्स। आफ्टर यू गिव एन एक्सेप्टेंस लेटर, यू कांट कॉल द पर्सन आफ्टर 5 hours एंड से वी वॉन्ट टू सी इट अगेन। What do you mean by that? You cannot. Please tell, Javed Sahab has fought elections thrice here. He can also tell you something about it. Assalamualaikum. देखिए जो हमारी पिछले 4 दिन से मीटिंग चल रही है कि किस तरह से इसको एडजस्टमेंट की जाए, फाइन ट्यूनिंग की जाए, मैं उस मीटिंग का हिस्सा हूँ, एपेक कमेटी का मेंबर हूँ, जावेद साहब उसके मेंबर हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, दे आर ऑल विद अस। अब उनका अपना इंटरनल नेशनल इश्यूज क्या है, वी हैव नो कंसर्न विद दैट। जम्मू कश्मीर के बाशिंदे के साथ बताइए, कुछ नहीं। So, पूरा मुल्क ये देखना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं, ये इलेक्शन लड़ने से पहले ही हार गए, इनको मालूम है दे विल बी 140-0 इन कश्मीर। आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट को जम्मू कश्मीर के लोग ही फैसला दे देंगे कि वो क्या चाहते हैं। लीजिए आप, अगर गैंग है, हम पार्टियां मिली है ना, तो उनका क्या एनडीए है ना, एनडीए सबसे बड़ा गैंग है, क्या वो भी एक तरीके का गैंग ही है ना। फिर अगर हम गैंग है, द हुपर्स, द पीपल हु कॉल्स अस गैंग, एंड दे आर इक्वली एज़ गैंग। ये देखिए, वी आर 6 parties, 7 parties इन दिस अलायंस, जिसमें कि लाखों लोग ऑलरेडी हमारे साथ हैं। अगर हम बड़े शराफत के साथ, हम वी डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, हम यहाँ आते हैं शराफत के साथ, अलायंस के 2 मेंबर हम यहाँ कन्वे कर रहे हैं आपके सामने, और इससे बड़ा प्रोटेस्ट आपको क्या चाहिए? वी डोंट वॉन्ट ट्रैवल फॉर कश्मीरीज ऑफ एंड ऑन, वी डोंट वॉन्ट टू पुट देम टू हड़ताल, वी डोंट वॉन्ट देम टू सफर मोर, वी ऑलरेडी सफर्ड अ लॉट। सो दिस इज इट, वी आर जस्ट गोइंग टू मीट द डी। We are 6 parties, 7 parties in this alliance, जिसमें कि लाखों लोग ऑलरेडी हमारे साथ हैं। अगर हम बड़े शराफत के साथ, हम वी डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, हम यहाँ आते हैं शराफत के साथ, अलायंस के 2 मेंबर हम यहाँ कन्वे कर रहे हैं आपके सामने, और इससे बड़ा प्रोटेस्ट आपको क्या चाहिए? वी डोंट वॉन्ट ट्रैवल फॉर कश्मीरीज ऑफ एंड ऑन, वी डोंट वॉन्ट टू पुट देम टू हड़ताल, वी डोंट वॉन्ट देम टू सफर मोर, वी ऑलरेडी सफर्ड अ लॉट। सो दिस इज इट, वी आर जस्ट गोइंग टू मीट द डी एक्सेप्ट।